आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। तो साहब ये जैद हामिद हैं, जैद हामिद कह रहे हैं कि इंडिया को मैंने रुसवा करा, मैंने जलील करा, इंडिया झूठ बोलता है। ये सब लोग कह रहे हैं कि साहब इस पे जवाब दो मुझे। देखिए मैं जवाब नहीं देना चाहता यार, मैं इसलिए जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अगर कुत्ता मुझे काटेगा मैं कुत्ते को थोड़ा ना काट लूंगा यार। हम बचपन में सना पढ़ते थे ना चंदा मामा दूर के, अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। जैद हामिद जी, जैद हामिद ने आज तक कोई अच्छी बात उनके मुंह से निकली है, गजवा हिंद की बात हो या इस तरह की जो भी रेडिकल माइंडसेट है या जो भी है, वो उनके जहन में एक ही फतूर हर तक भरा रहता है, इंडिया और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत उनके दिल में दिमाग में भरी। शक्ति का जो एंटायरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि महाशिव और शक्ति मतलब महिला एम्पावरमेंट, और क्योंकि हमने देखा जो पूरी दुनिया को दिखा कि हमारे हिंदुस्तान में हजारों के तादाद में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, वैज्ञानिक महिलाएं हैं, और बड़ी सोबर सिंपल साड़ी वाड़ी पहनी हुई, सिंदूर माथे में बिंदिया लगा करके, और देखिए चांद पर, वो चांद पर उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया। मुझे नहीं पता कि जैद हामिद साहब को क्या पड़ी हुई, क्या कहते हैं मुझे सबूत चाहिए। अबे भाई कोई ताने के तानेदार हो आप, कौन हो जो आपको वो सबूत दे दे कि यार, या आपको वहां पे वो चांद पे ले जाए कि चलो जी ये चंद्रयान यहाँ पे उतरा था, वो विति शक्ति गालिबन वो जगह का नाम मोदी साहब ने लिखा है। यानी बात ये है कि जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने चांद ईद और रोजे के लिए देखना है, आपको चांद पे क्या करना है कि वो नॉर्थ पोल पे उतरे, साउथ पोल पे उतरे, नीचे से उतरे, ऊपर से उतरे, सो वट, आपको क्या फर्क पड़ता है। पता है कि आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, इवन पाकिस्तान से बैठी सना अमजद भी शिव जी का नाम सुबह सुबह ले रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट, तो देखिए कांग्रेस के लोग लुच्चे झुट्टे टाइप के हैं, हम लोग उस अगर 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 वो अच्छे होते तो 400 से 40 नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते होंगे पाकिस्तान के एक जो जिसे लाल टोपी के नाम से जो फेमस है, उस लाल टोपी जो है जो हमारा चंद्रयान 3 मून पर लैंडिंग की है उसका प्रूफ मांगता है, वो प्रूफ मांग रहा है कि वो बोलता है कि जो भारत है ये झूठ बोल रहा है चंद्रयान पर, मतलब भारत चांद, भारत ने कोई चंद्रयान बनाया ही नहीं है, और जो ये सब कुछ वीडियो जो पब्लिश हो रही है, चंद्रयान ने जो फोटो भेजी है ये AI टूल की मदद से जो है भेजी जा रही है, कुछ इस तरह की बात लाल टोपी ने की है एक पॉडकास्ट के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान, और वो सबूत मांग रहा है कि चांद साउथ पोल पर उतरा है कि नहीं। अब इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं खुद उसे कह रहे हैं कि उसको आड़े हाथों ले लिया, बहुत ही लंबे हाथों, बहुत ही दबा के बेइज्जती की, आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा। और तो और मेजर गौरव आर्या ने तो साफ साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई कुत्ता मुझे काटेगा तो क्या मैं कुत्ते को काटूंगा। अरे मैं हमें मुंह ही नहीं पढ़ना है ऐसे लोगों के, अब इन्हें प्रूफ देंगे कि हम ये हैं कौन ये जो जिन्हें हम प्रूफ देंगे, तो कुछ इस तरीके की बात भी मेजर गौरव आर्य सर कर रहे हैं। और भी जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भी बहुत ही मतलब जो इसने लाल टोपी ने बयान दिया है, सबूत मांगे हैं, इसको सबूत देने के लिए सबने इसको अलग अलग तरीके से सबूत पेश किया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनालिस्ट हैं कि जर्नलिस्ट हैं कि वैसे गजवा हिंद के हवाले से पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन इंडिया में बड़े फेमस है जैद हामिद साहब, उनका नाम है, लाल टोपी वाले के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो लाल टोपी वाली पिक्चर भी खैर मेरे पास है, आप वो ना करें, ये मेरे पास उनकी लाल टोपी वाली पिक्चर भी अवेलेबल है, तो इस वजह से ज्यादा फेमस है, लोग उनको देखते रहते हैं। लेकिन व्हाट द थिंग इज, जो लाल टोपी वाले साहब हैं मीन जैद हामिद साहब, इनको क्या हुआ क्या है? वैसे तो पहले भी कोई ये दिमाग से काम नहीं लेते थे, लेकिन अब तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह बावले हो चुके हैं। पहले भी कोई इनकी ऐसी बातें होती थी, लेकिन एक इंटरव्यू में ये बैठे हुए हैं और अब्दुल बासित साहब जो हमारे एम्बेसडर रहे हैं इंडिया में, हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी उनको कहते हैं कि जी मिशन के बारे में क्या कहेंगे, जी मिशन आपको नाकाम लगता है? तो कहते जी मुझे नाकाम लगता है। वो वीडियो तो खैर आपको दिखाएंगे ही, बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना, शेयर का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो खैर हम बात कर रहे हैं किसकी जी, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 के हवाले से। हमने मैंने कहा कि मैंने और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लाखों शायद या करोड़ों लोगों ने बात की होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि जैद हामिद साहब को क्या पड़ी हुई, क्या कहते हैं मुझे सबूत चाहिए। अबे भाई कोई ताने के तानेदार हो आप, कौन हो जो आपको वो सबूत दे दे कि यार, या आपको वहां पे वो चांद पे ले जाए कि चलो जी ये चंद्रयान यहाँ पे उतरा था, वो विति शक्ति गालिबन वो जगह का नाम मोदी साहब ने लिखा है। यानी बात ये है कि जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने चांद ईद और रोजे के लिए देखना है, आपको चांद पे क्या करना है कि वो नॉर्थ पोल पे उतरे, साउथ पोल पे उतरे, नीचे से उतरे, ऊपर से उतरे, सो वट, आपको क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात,
आप है कौन जिसके लिए इसरो को अब मतलब तक दो करनी पड़ेगी और आपको वो पूरे प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि भाई क्योंकि जैद हामिद उर्फ लाल टोपी वाले को सबूत चाहिए, तो हम सबूत के तौर पर हालांकि मेरा ख्याल है आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, लेकिन यार बात ये होती है कि दुनिया अब बहुत ज़्यादा खुल चुकी है, दुनिया में जो नॉलेज है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत एडवांस हो गई हैं। आप अगर कोई झूठ बोलते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये अगर कर सकते हैं तो फिर जो लास्ट टाइम क्रैश लैंडिंग की थी 2 साल पहले, तो उसको फिर उसी टाइम कर लेते बजाय इसके कि वो बेचारे जो रो रहे थे साइंटिस्ट और मोदी साहब उनको तकिया दे रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे कि नहीं भाई बेटा रोना नहीं है, आगे जाके आपने ये कर लेना है, तो उस वक्त कर लेते अगर यही चीज़ थी। या जो उससे पहले चंद्रयान 1 भेजा था तो उस वक्त भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से इंडिया आज से 4 साल 6 साल 10 साल पहले भी बहुत ज्यादा आगे था और आज बहुत ही ज्यादा आगे। तो अगर यही चीजें करनी थी तो पहले ही कर लेते, फिर इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी, $75 मिलियन लगाने की क्या जरूरत थी, जो लोग बेचारे दिन रात एक किए हुए थे उसकी क्या जरूरत थी। लेकिन हमारे लाल टोपी वाले साहब को तो भाई सबूत आपको देना पड़ेगा, आपका दिल करे या ना करे, अगर इनको सबूत आपने ना दिया तो भाई हम नहीं मानते, हम आपके मिशन को मानते नहीं, आप मार्स पे भी उतर जाए हमें क्या, हम कहते हैं हमने नहीं मानना, हम मानते ही नहीं है। जिस तरह वो हमारी एक आजकल मीम्स चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी रोहित हलाल कमेटी जो चांद देखती है ईद और रमजान वगैरह के लिए, उनकी पिक्चर्स है और वो कहते हैं हमें कोई शहादत नहीं मिली कि इंडिया चांद पे उतरा है। तो भाई आपको आपको चांद यहाँ से देखना है, नजर नहीं आता आपको, ईद बाज़ोकात नहीं नजर आता तो कहते नहीं ईद नहीं है कल परसों होगी, या फिर रमजान का चांद देखना होता है तो कहते चांद नजर नहीं आया, या चांद नजर आ गया तो जी कल पहला रोजा होगा, तो वो हो जाता है। तो आप भाई यहाँ से दूरबीने लगा के देखते और अगलों ने जो है वो पूरी जैसे कहते ना मशीन उठा के वहां पे उतार दी। खैर एनीवे, थोड़ा सा मेरे ख्याल में क्लिप देखना जो है जरूरी है, तो फर्ज हो गया वो हमारे यहाँ लोग कहते हैं फर्ज है तो फ्लाइट का है, तो ये तो फर्ज है, ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने तो इससे पहले भी इसको देखा था, लेकिन अब जरा दोबारा से देख लेते हैं, आप लोगों के साथ मिलकर देख लेते हैं कि जैद हामिद साहब फरमा क्या रहे हैं। तो जैद हामिद वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स, ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है, एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान में हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स CGI AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग किया है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल, वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे यू कुड सी के दे आर फेक्स, अच्छा अब मतलब अब सोचे जरा कि अगले कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने बनाया था ये सारा और उनके चेहरे उतरे हुए थे, हालांकि यार वो तो पूरी दुनिया ने देखा। और दूसरी बात, नासा कौन सा आपकी चाचा की एजेंसी है या आपके मामे की एजेंसी है कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया, और वो क्या आपको फोन करेंगे जो बाइडन कॉल उठाएंगे कि यार जैद हामिद साहब को जरा कॉल मिला लीजिएगा क्योंकि उनको हमने बताना है कि भाई ये मिशन जो है ना ये भी झूठ बोल रहा है इंडिया, और या फिर नरेंद्र मोदी साहब फोन उठाते साउथ अफ्रीका में थे उस वक्त जोहानिसबर्ग में, तो वहां से कॉल उठाते कि यार ये लाल टोपी वाले को फोन मिला लो, अगर इसने यकीन ना किया तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा यकीन करेगा ही नहीं यार। फॉर गॉड सेक कि मतलब खुद तो हम इतने गए गुजरे हैं कि हम तो सुपारको हमारा एक इदारा है उसके ऊपर ये जूते चाटने वाले साहब है लाल टोपी वाले, इन्होंने कोई बात नहीं की कि यार वो किधर खड़े हैं, ओ भाई वो हमें कोई झूठ मूठ का बता दे यार, क्रैश लैंडिंग बता दे, कोई और बता दे, दिखा दे हमें कि यार ये रॉकेट हमने भेजा था आधे में पुस हो गया था गिर गया था, कुछ तो दिखा दे यहाँ पर किया। पाकिस्तान पहले बैठा देखा, देखता रहा पूरी दुनिया के 120 से ज्यादा जैसे कि आपने बताया कि मुबालिक की तरफ से जब मुबारकबाद वसूल हो गई उसके बाद में फिर हमारे जो दफ्तर खारजा है फॉरेन अफेयर्स के उन्हें फिर याद आया कि नहीं नहीं हमने भी मुबारक देनी, हमने भी जो है वो जो है ये काम जो है करना है। तो आप जैसे कि बात कर रहे हैं कि जैद हामिद जी, कि जैद हामिद ने आज तक कोई अच्छी बात उनके मुंह से निकली है, गजवा हिंद की बात हो या इस तरह की जो भी रेडिकल माइंड सेट है या जो भी है, वो उनके जहन में एक ही फतूर हर तक भरा रहता है, इंडिया और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत उनके दिल में दिमाग में भरी रहती है, उसी का जो नतीजा आप देख रहे हैं। मैंने उनकी जो वीडियो है उसको देखा है तो उसके अंदर उन्होंने चंद बातें और भी की हैं उसके साथ साथ। देखे एक तो उन्होंने बात की ये एनिमेटेड जो वीडियोज हैं या ये AI के थ्रू बनाई गई है या ये गेमिंग की जो वीडियोज हैं उनके अंदर से इसको बनाया गया है,
उसके साथ ही उन्होंने इस चीज को भी तस्लीम किया है कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की इस वक्त पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, ये भी उन्होंने तस्लीम किया है। इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ये भी उन्होंने तस्लीम किया है। लेकिन जब बात आई चंद्रयान 3 की और ये मिशन की, तो वहां पर उनके मुंह में पता नहीं क्या पड़ गया या उनके दिमाग को क्या हो गया कि उन्होंने फौरन ही कलाबाजी खाई और बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और अच्छा, फिर वो बाद में थोड़ी देर बाद में मान भी गए कि हाँ जी चले ठीक है जी, फर्ज कर लिया कि अगर इंडिया चांद पे पहुंच भी गया तो इससे फायदा क्या होगा। यानी कि इतनी उनके दिल के अंदर उनके जेलसी भरी हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ कि वो इस चीज को पॉजिटिव ले ही नहीं रहे। वो कह रहे कि जी हाँ चले ठीक है जी, अगर इंडिया जो है वो चंद्रयान उसका जो है वो चांद पर पहुंच गया तो जो 80 करोड़ लोग देखें उनके, अब मैं उनकी जहनीयत की बात यहाँ पर बताऊंगा, कहते जी 80 करोड़ लोग जिनके घरों में वॉशरूम नहीं है वो उनको क्या फायदा होगा। भाई तुम लोगों के घरों में जाकर देख रहे हो वहां पर कि उनके घरों में वॉशरूम बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ये देखें एक दौर था, एक वक्त ऐसा था कि जब इंडिया में ये मसले थे, लेकिन इंडिया अब उन मसलों से बाहर निकल चुका है, उन्हें अब वॉशरूम वगैरह की या लोगों के घर में भूख अनाज इन चीजों की परवाह नहीं है। उनके लोग जो हैं हमसे हजार गुना ज्यादा खुशहाल हैं। वहां पर जो उनकी गवर्नमेंट है लोगों को फ्री में यानी कुछ पैसे लेके उनके घर तामीर करके दे रही है। तो जैद हामद साहब को अपने मुल्क के अंदर देखना चाहिए। देखें जब मैं अपने गिरेबान में पहले झांकूंगा ना, मेरे जो अंदर जो मेरे कपड़े किस तरह के हैं या मैंने बुनियान किस तरह की पहनी हुई है, फटी हुई पहनी हुई है, तो मैं अगले के ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठाऊंगा कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर अगर हालात आप जाकर देखें, इस वक्त आप सिंध के अंदर चले जाएं कि वहां पर क्या हालात हैं, आप बलूचिस्तान के अंदर जाकर देखें कि वहां पर क्या हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाकर देखें, आप कश्मीर के अंदर देखें, गिलगत बल्तिस्तान के अंदर, सिर्फ पंजाब में बैठकर आप लाहौर की तरक्की को देख लें, आप इस्लामाबाद की तरक्की को देख लें, आप रावलपिंडी की तरक्की को देखकर, आप फैसलाबाद की तरक्की को देखकर आप बोले कि जी आपका पूरा पाकिस्तान जो इस वक्त डेवलप है, पूरे पाकिस्तान के अंदर सहूलत है। तो ये अब जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना, वो मैं जो एक वीडियो देख रहा था उसमें बता रहे थे कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल चांद जैसा है जहां पर चंद्रयान ने लैंड किया है, पाकिस्तान का हाल अब। तो दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा किस तरीके की बातें इसने लाल टोपी ने की है और जो पाकिस्तान के ही लोग हैं उन्होंने किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है और इसकी क्या इज्जत है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों ने अच्छे से ये वीडियो देखी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद लाल टोपी के लिए आपके दिमाग में क्या विचार आया है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना है। साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।